मध्य प्रदेश में प्याज के दाम भले ही खरीदारों को महंगे हों, शहरों में इसका भाव 25 से 40 रुपए किलो चल रहा हो, पर किसानों को इसकी कीमत 50 पैसे प्रति किलो ही मिल रही है। जी हाँ, सही सुना है आपने। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मंडी में जब किसान नया प्याज लेकर बेचने पहुंचे तो आढ़तियों ने 100 किलो प्याज के 50 रुपए पकड़ा दिए। हालांकि हर साल लोग प्याज के आसमान छूते दाम से परेशान हो जाते हैं, फिर जब प्याज की फसल आती है तो कीमतें जमीन पर आ जाती हैं। किसान प्याज के दाम देखकर इसकी फसल उगाता है और जब मंडी में बेचने जाता है तो पता चलता है कि उसकी लागत भी नहीं निकल रही। आम आदमी को जब प्याज 25 से 40 रुपए किलो मिल रही है, तब किसान मंदसौर की कृषि मंडी में 50 रुपए में 100 किलो प्याज बेचने को मजबूर हैं। नए साल पर जब किसान अपनी प्याज की फसल को लेकर मंडी पहुंचा तो उसका कलेजा मुंह तक आ गया। आढ़तियों ने जब बिल दिया उसे देखकर किसानों के होश ही उड़ गए। व्यापारियों ने 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्याज का भुगतान किया। इस हिसाब से प्याज 50 पैसे प्रति किलो बिकी। इस भाव में प्याज को बेचने के बाद किसान को समझ में नहीं आ रहा कि उसकी लागत कैसे पूरी होगी। एक तरफ सरकारें किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती हैं, दूसरी तरफ फसलों के मिलते दाम उन दावों की हकीकत बयान करते हैं। आखिर उत्पादन के बाद फसल की इतनी कीमत मिलती है तो किसानों की लागत कैसे निकलेगी और कैसे अपने परिवार का वो पालन पोषण करेगा। प्याज के 50 पैसे प्रति किलो दाम मिलने से कुछ दिन पहले मंदसौर मंडी में ही किसानों ने लहसुन के दाम नहीं मिलने पर लहसुन को जला दिया था। किसान ने फसल की लागत से कम दाम मिलने पर लहसुन की बोरी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। 2020 में और 2021 की शुरुआत में प्याज की कीमतों में जोरदार तेजी रही थी, जिससे किसानों ने आगे प्याज की खेती करने की ठानी थी। लेकिन दामों को देखकर तो यही लग रहा है कि प्याज किसानों को इस बार नुकसान ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में आगे बड़े राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए जनता को कीमतें कम मिले सबकी यही कोशिश रह सकती है। अगर किसानों के साथ ऐसा ही होता रहा तो किसान प्याज की खेती नहीं करेंगे, उनका हौसला टूट जाएगा और अगर प्याज की बुआई कम होगी तो उत्पादन में गिरावट आएगी, जिससे आयात करना पड़ेगा और वो किसानों को उनकी लागत देने से काफी महंगा बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।